Voting is taking place in the second and final phase of the Chhattisgarh Assembly elections amid elaborate security arrangements. 1 lakh personnel, helicopters and drones are out today. The second phase is seeing voting for 72 seats spread across 19 districts. The turnout was around 25% at 12:30. Polling began at 8 a.m. and will end at 5 p.m. The state is witnessing a three-way battle for the first time, with the ruling BJP trying to wrestle it out with the opposition Congress, as well as the Ajit Jogi Mayawati-led alliance emerging as a third front. Uma Shankar reports from Raipur. पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रेमनगर वो मोहल्ला है जहां लोगों ने ये पोस्टर लगाया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आज वोटिंग का दिन है और इसमें से कई लोगों ने वोट डाला है और कई लोगों ने वोट नहीं डाला। आपने वोट नहीं डाला? हाँ, हमने वोट नहीं क्यों डाला? क्योंकि रोड ही नहीं बना है। इतने दिनों से बोलते आ रहे कि रोड बनाइए, सब प्रचार करने के लिए आते हैं। कभी रोड साफ नहीं होता, कभी नली साफ नहीं होता। जब चुनाव की पारी आई तो सब साफ हो रहा है, सब कचड़े वाले आ रहे हैं। आज तो झाड़ू भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं। आज तो वोटिंग का दिन है, तो आज ही लगना भी चाहिए था। तो आपने इसलिए वोट नहीं डाला क्योंकि यहाँ तो सड़क और नाली सबकी समस्या है, और एक इलाका जो है विवादित है वो जमीन 40 फीट का, जहाँ पे सड़क नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बायकॉट का कॉल देने के बाद भी आपने वोट डाला। आपने ये क्यों डाला वोट? क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि को चुनने के साथ ही समस्या हल होगी? जी सर, हाँ, वोटिंग डाल दिए हैं और रोड बनाना अब उनका काम है। अच्छा, हाँ, हम डाल दिए और आज तो वोटिंग है, एक 15-20 दिन में थोड़ी बन जाएगा रोड, इसलिए हम लोग डाल दिए अब रोड बना। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि बायकॉट करके कोई फायदा नहीं होता। अगर किसी एक से नाराजगी है तो आप दूसरे को वोट डाल सकते हैं, दूसरे से नाराजगी है तो पहले वाले को वोट डाल सकते हैं। और जब आप जनप्रतिनिधि को चुनेंगे उनके जरिए ही समस्या का समाधान होगा, अपना मत जो है व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपने भी वोट डाला यही सोच के? हाँ, यही सोच के वोट डाला है कि जो कोई नेता आएगा तो करेगा आगे। अब अभी आज तक के नहीं हुआ पहले नेता से तो दूसरा नेता तो करेगा कोई ना कोई। वोट तो हमें किसी को भी देना है, इसलिए हमने जिसको मर्जी वोट दे दिया। भीड़ को देखे, भीड़ के उत्साह को देखे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये भीड़ हमारे पक्ष में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वोट डाल रही है, और ये वोट हमको विजय दिलाने के लिए है। कांग्रेस एक लीडरलेस पार्टी है, कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी है, उनके पास राज्य में कोई नेता नहीं है, इसलिए ना तो कांग्रेस ना ही भाजपा जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगी। हम एक 65 सीट के जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चौथी बार फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, क्योंकि जो मेहनत हुआ है, जो काम हुआ है, और ये विकास यात्रा में जिस पड़ाव में हम पहुंचे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। और ये 72 विधानसभा की सीटों में जो आज मतदान हो रहा है, सभी क्षेत्रों से जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, चर्चा हो रहा है, अलग अलग विधानसभा के लोगों से बात कर रहा हूं सुबह से लेकर, तो बहुत ही उत्साहजनक वातावरण में सभी जगह मतदान हो रहा है। और इस 72 में से जो रुझान दिख रहा है, जो हमारे लोग की रिपोर्टिंग आ रही है, कम से कम 50 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी।